लास्ट वाली वीडियो में ना मुझे तुम लोग को बताना ही नहीं चाहिए था कि कुछ लोग कमेंट को कॉपी पेस्ट करके ऐसे स्पैम कर रहे हैं। अभी सबको आइडिया मिल गया, सब लोग स्पैम किए जा रहे हैं कमेंट्स। सभी कमेंट्स मैंने पढ़े और सबसे ज्यादा वोट्स आए थे बंगाल वॉरियर्स को। और जो लोग बंगाल वॉरियर्स की वीडियो चाहते थे, जरा इन लोगों को थैंक यू बोलिए। इतनी बार बंगाल वॉरियर्स कमेंट किया है, गिनते गिनते मेरे पसीने छूट गए। लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल वॉरियर्स के बारे में। करेंगे पूरा डिटेल एनालिसिस, जानेंगे इस टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ। और हाँ, आप सभी बंगाल वॉरियर्स के फैंस के लिए एक छोटा सा नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा सरप्राइज है। ऑक्शन के हो जाने के बाद दो नए प्लेयर्स बंगाल वॉरियर्स के साथ जुड़ चुके हैं। जानना चाहते हो कौन है वो दो सरप्राइज प्लेयर्स? तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। बंगाल वॉरियर्स पिछले सीजन यानी सीजन 7 के चैंपियंस रहे थे। पिछले सीजन बंगाल वॉरियर्स ने काफी ज्यादा सरप्राइजेस दिए। किसी ने नहीं सोचा था कि बंगाल वॉरियर्स इतना अच्छा खेल जाएगी। इस साल भी बंगाल वॉरियर्स यही कोशिश करेंगे कि वो प्रो कबड्डी चैंपियंस के इस खिताब को खुद से दूर ना जाने दे। तो चलिए इस टीम के प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। पिछले सीजन में बंगाल वॉरियर्स को चैंपियन बनाने में मनिंदर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, ना सिर्फ बतौर रेडर लेकिन बतौर कैप्टन भी। 6 फीट लंबे ये रेडर डिफेंडर्स की अगली मूव को पहले ही भांप लेते हैं। प्रो कबड्डी के पहले सीजन में यानी सीजन 1 में मनिंदर सिंह का नाम टॉप रेडर्स की लिस्ट में 3rd नंबर पर आया था। इस सीजन में भी बंगाल वॉरियर्स की उम्मीदें मनिंदर सिंह पर टिकी है। लेकिन मनिंदर सिंह अकेले नहीं है, उनको साथ मिलने वाला है रिशांक देवाड़िगा का। अगर आपको सीजन 3 याद हो तो तब रिशांक देवाड़िगा यू मुंबा में थे और यू मुंबा अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में थी। राकेश कुमार के टीम में आने के बाद यू मुंबा को रोकना सभी टीम्स के लिए काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन उस वक्त राकेश कुमार के टीम में आने की वजह से रिशांक देवाड़िगा को सब्स्टिट्यूशन में बैठना पड़ा था। लेकिन पहले ही मैच में रिशांक देवाड़िगा की कमी महसूस होने लगी थी और सिर्फ 2 मैचेस के बाद रिशांक देवाड़िगा ने अपनी जगह स्टार्टिंग 7 में फिर से पक्की कर ली थी। वही रिशांक देवाड़िगा हमें इस सीजन में बंगाल वॉरियर्स में दिखने वाले हैं। रिशांक देवाड़िगा की एक और खास बात यह है कि वो डू और डाई स्पेशलिस्ट है, यानी प्रेशर में वो और भी अच्छा खेल लेते हैं। उसी के साथ साथ टीम में सुकेश हेगड़े भी शामिल है। सुकेश हेगड़े ने 4 सीजन तेलुगु टाइटन्स के साथ खेले हैं और सीजन 5 में वो गुजरात जायंट्स के कैप्टन भी बन गए। उसके बाद सीजन 6 में तमिल थलाइवास के साथ और सीजन 8 में बंगाल वॉरियर्स के साथ भी खेल चुके हैं। इतने सारे प्रो कबड्डी के एक्सपीरियंस से बने सुकेश हेगड़े इस बार हमें फिर से बंगाल वॉरियर्स की टीम में दिखने वाले हैं। टीम में रविंद्र रमेश कुंवत और सुमी सिंह के साथ साथ एक नए रेडर आकाश पिलकामुंडे भी शामिल है। रेडिंग डिपार्टमेंट तो काफी अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं डिफेंस की। अब जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि बंगाल वॉरियर्स के फैंस के लिए एक सरप्राइज है, ऑक्शन के बाद बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस थोड़ा सा वीक लग रहा था। लेकिन बाद में एक न्यूज निकल कर आई कि बंगाल वॉरियर्स की टीम के साथ 2 नए नाम जुड़ चुके हैं और वो प्लेयर्स हैं विशाल माने और रन सिंह। विशाल माने जो कि राइट कवर और कभी कभी लेफ्ट कवर पे भी खेलते हैं, और रन सिंह जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी है। दोनों हमें इस सीजन बंगाल वॉरियर्स के साथ खेलते हुए दिखने वाले हैं। इन दोनों के आने के बाद बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जहां एक तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं रन सिंह, वहीं दूसरी तरफ राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं अबोजार मेगानी। 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप में दुनिया एक नए स्टार डिफेंडर से वाकिफ हुई, ईरानियन टीम के राइट कॉर्नर पर खेलने वाले अबोजार मेगानी। इनके स्किल्स हम प्रो कबड्डी की मैट पर भी देख चुके हैं। टीम में 2 राइट कवर डिफेंडर्स भी शामिल है जो कि है दर्शन जे और विजिन तंगादुरिया। लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने के लिए टीम में सचिन विट्टल, प्रवीण और रिंकू नरवाल भी शामिल है। लेकिन लेफ्ट कॉर्नर पे मोस्ट प्रोबेबली हमें रन सिंह ही खेलते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही में टीम में एक नए डिफेंडर रोहित दत्तात्रेय बने भी शामिल है। बात करें अगर ऑलराउंडर्स की तो रन सिंह के साथ साथ एक और बड़ा नाम निकल कर आता है जो कि है मोहम्मद इस्माइल नबीपक्ष। पिछले सीजन में ही इन्होंने डेब्यू किया था और सिर्फ 23 मैचेस में उन्होंने 112 पॉइंट्स कमा लिए थे। और साथ ही में टीम में मनोज गौड़ा और रोहित नामक नए खिलाड़ी भी शामिल है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रेडिंग के मामले में बंगाल वॉरियर्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मनिंदर सिंह की कप्तानी में रिशांक देवाड़िगा और सुकेश हेगड़े काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। डिफेंस तो पहले थोड़ा वीक लग रहा था, लेकिन विशाल माने और रन सिंह के टीम में आने के बाद अब डिफेंस काफी मजबूत हो चुका है। बस लेफ्ट कवर थोड़ा सा वीक पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन अगेन हमें इन सबको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सब इस बात पर डिपेंड करता है कि खिलाड़ी अपना कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बिठा लेते हैं। सो गाइज, ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बंगाल वॉरियर्स का। अब सिर्फ 2 ही टीम्स बचे हैं, हरियाणा स्टीलर्स और तमिल थलाइवास। नीचे कमेंट करके स्पैम करना शुरू कर दो जिस टीम का आप नेक्स्ट टीम एनालिसिस देखना चाहते हो।
जिस टीम के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस टीम का नेक्स्ट टीम एनालिसिस वीडियो बनेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। प्रो कबड्डी सीजन 8 के सभी टीम्स की मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और सभी टीम्स के टीम एनालिसिस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी एक दोस्त बोल रही थी कि वो डिस्कवरी चैनल पे जैसे नरेटर्स होते हैं, मैं उसकी तरह बात करता हूँ, क्या ये सच है? शेर इस जंगल के कुदरती शिकारियों में से एक है, अपने ताकतवर जबड़े का इस्तेमाल करके अपने